एवरीवन, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है तिरंगी दुनिया में। तो आज मैं लाई हूँ बहुत ही अच्छी सी ईजी सी, आज एक नहीं बल्कि तीन तीन वॉल पेंटिंग। तो सबसे पहला जो पेंटिंग है तो ये एक स्विच बोर्ड के ऊपर मैंने किया है। कुछ इस तरीके से मैंने ब्रांचेस बना लिए हैं ब्राउन कलर से। फिर उसके बाद नेस्ट बनाया है, उसके बाद छोटे छोटे बर्ड्स बनाए हैं जो कि यहाँ पर रहते हैं। तो इस तरीके से मैंने एक स्विच बोर्ड को बड़े ही मतलब कि कम मेहनत में एक आसान सा स्टिकर बनाया है। अब जो दूसरी पेंटिंग है वो भी मैंने स्विच बोर्ड के ऊपर ही किया है। तो उसके लिए मैंने एक ईयरबड ले लिया है और येलो और ग्रीन और डार्क ग्रीन कलर के तीन कलर को कुछ इस तरीके से ले लिया है और ईयरबड से की हेल्प से, बंच ऑफ ईयरबड की हेल्प से कुछ इस तरीके से मैंने ट्री बनाया है। और सिंपली से एक ब्राउन कलर से उसके ब्रांच और रूट्स बना दिए हैं। तो ये ट्री भी बहुत ईजिली मैंने एक स्विच बोर्ड के ऊपर बनाया है। एक स्टिकर के खर्चे बचाए और दूसरे साथ में कि इतना मतलब खुद के पेंटिंग करना तो बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होता है। और ये तीसरा जो है कि बहुत ही बड़ा साइज का है, एक तरीके से ये वॉल हैंगिंग टाइप का था, वॉल डेकोर ही था। तो मुझे वो बहुत ही पसंद आया, अमेजोन पर मैंने देखा था। तो मैंने सोचा मतलब मेरे एक व्यूअर से रिक्वेस्ट आई थी कि आप ये पेंटिंग वॉल पे कर सकते हो क्या, तो मैं उनके लिए स्पेशली ये बनाई हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे मास्किंग टेप लगाया है, फिर उसके बाद से बेस में पिंक कलर दिया है। जैसा मुझे पिंक कलर चाहिए था वैसा अवेलेबल नहीं था, तो ये पिंक कलर बेस में मैंने खुद ही बनाया है। उसके बाद कुछ मतलब एक रोमांटिक पोस्टर ही मैंने बनाई है। तो सबसे पहले उसकी स्केचिंग करी है, फिर उसके ब्लैक कलर से पूरा बनाया है। उसके बाद जो डिटेलिंग है रेड से पिंक से सब मतलब कि ग्रास वगैरह सब किया है। बस एक गलती हो गई मेरे से, मतलब इतना अच्छा वीडियो बनाया है, मतलब इतना मेहनत करी, तीन दिन लगातार मेहनत करी, बट मेरा जो मेन वीडियो था ना वो डिलीट हो गया। होप आज का वीडियो आपको पसंद आया।